नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं मध्य प्रदेश की महाडिबेट। मैं हूं अपर्णा मौजम। आज बात पीएम मोदी की साधना और उस पर मचे घमासान की। विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर एतराज है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसे साधना नहीं बल्कि चुनावी कैंपेन बता रहे हैं और इसी पर मचा है सियासी घमासान। फोटो खिंचवाने जा रहे कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की साधना शुरू हो चुकी है। इधर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और उसे बताया है ध्यान नहीं चुनावी कैंपेन। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है। पीएम मोदी की साधना पर विपक्ष ने घमासान छेड़ दिया है। चुनाव के आखिरी चरण से पहले देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। एक नया घमासान छिड़ चुका है। पीएम के मेडिटेशन पर पवार, मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं, पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे। मैं कह रही हूँ ये लोग भोकला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। पीएम का ध्यान, विपक्ष क्यों परेशान। कांग्रेस को आपत्ति, चुनाव आयोग से शिकायत। आज ध्यान से इन्हें आपत्ति है, तो जिस तरह से हिंदुत्व से आपत्ति के कारण कांग्रेस समाप्त होती रही, अब ध्यान से आपत्ति से कांग्रेस आगे भी समाप्त होगी। चुनाव में शुरू हुआ नया घमासान। प्रधानमंत्री मोदी अपने अध्यात्म को लेकर प्रेम को वक्त वक्त पर जाहिर करते रहे हैं। पीएम मोदी केदारनाथ में भी, याद होगा आपको, 2019 की बात है, साधना कर चुके हैं। वहीं इसी साल द्वारका में पानी के नीचे भी पीएम मोदी ने मेडिटेशन किया था। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर 18 मई 2019 की है। 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था। तब वो दो दिन केदारनाथ में रहे थे। उन्होंने केदारनाथ की गुफा में साधना की थी। मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने 15 घंटे तक केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था। पूरी रात वहीं गुजारी थी। एक और तस्वीर, दूसरी तस्वीर 18 जनवरी 2024 की है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर के दर्शन किए थे। तीसरी तस्वीर 25 फरवरी 2024 की है, जहां फरवरी में भी पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। वो अपने साथ मोरपंख लेकर गए थे, जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किए थे। और अब पीएम तमिलनाडु की कन्याकुमारी में है, जहाँ ध्यान मंडपम में 1 जून की शाम तक वो ध्यान करेंगे। पीएम उस शिला पर साधना करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में साधना की थी। तो इससे पहले जब जब पीएम ने ध्यान दर्शन किया है, वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो खैर, पीएम मोदी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आज मध्य प्रदेश की डिबेट पे इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले मारी डिबेट के सवाल क्या है वो आपको दिखा देते हैं। ध्यान पर विपक्ष क्यों है परेशान। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान, विपक्ष क्यों है परेशान। विपक्ष के बयानों के मायने क्या है। क्या ये 4 जून से पहले हार की बौखलाहट है, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर उसके इस ऐतराज को लेकर हमलावर है। महाडिबेट आज की इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौन कौन मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश से पंकज चतुर्वेदी जी, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता हैं केएस चौहान जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संतोष गौतम जी जुड़ गए हैं, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनिल सिंह चौहान जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल मेरा संतोष गौतम जी आपसे है, क्या है ऐतराज। देखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा आचरण करें वैसा उनके उसमें दिखाई दे, व्यक्तित्व में दिखाई दे। प्रधानमंत्री लगातार
केवल दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, और अब तो उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं बायोलॉजिकली उत्पन्न नहीं हुआ हूं, मुझे भेजा गया है। और मैं समझता हूं कि उनकी यह मानसिकता केवल वहीं तक सीमित नहीं है, उनके भक्तों में भी यह मानसिकता पैठ कर गई है कि वो स्वयं भगवान से बड़े हैं। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने बयान दिया था कि जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार एक व्यक्ति को भगवान बना देने की जो धारणा है, और जो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर एक चलन चल गया है मोदी जी को भगवान बनाने का, और मोदी जी भी स्वयं को कमतर नहीं मान रहे हैं, मोदी जी ये मान रहे हैं कि भगवान ने उनको विशेष रूप से भेजा है, मैं समझता हूं ये दंभी मानसिकता है, इससे उनको बाहर आने की जरूरत है। और जिस प्रकार से वो पूजा के नाम पर वोट के लिए केवल अपने काम करते हैं, मैं समझता हूं इस मानसिकता को बदले जाने की जरूरत है। पूजा व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है, और अगर उनको सही में विवेकानंद जी के वहां जाकर ध्यान लगाना है तो निश्चित तौर पर उन्हें कैमरों के साथ नहीं जाना चाहिए, उन्हें पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं जाना चाहिए, सरकारी खजाने में उनका पैसा खर्च जुड़ना नहीं चाहिए। और अन्यथा जैसा कि ममता बनर्जी जी ने कहा है कि अगर व्यक्तिगत कामों से वो जाते हैं, व्यक्तिगत आस्था के कारण वो ध्यान लगाते हैं, तो उस पर हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसका खर्चा सार्वजनिक हो, उसका प्रचार करें, वोट के लालच में करें अंतिम चरण के चुनाव के पहले, मैं समझता हूं पूरी तरह से गलत है। जी पंकज जी, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार तुष्टिकरण की पराकाष्ठा इस देश में कर रही है, वो सब देख रहा है। पहले SC ST OBC का आरक्षण लूटकर अपने फेवरेट वोट बैंक को बांटने की योजना, फिर रंग भेद के आधार पर भारत को बांटने की योजना, फिर संपत्ति लूटने का कानून, सनातन का विरोध, जिनके लिए प्रभु श्री राम काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक, उनको ध्यान से सिर्फ इसलिए आपत्ति है अपर्णा जी कि वो उनके तुष्टिकरण की फेवरेट वोट बैंक को सूट नहीं करता। ध्यान सनातन का विषय, और ये सनातन को मिटाने वाले घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है जो कहता है इरेडिकेट सनातन, सनातन को समूल नष्ट करो। अरे सनातन को रावण नष्ट नहीं कर पाया, सनातन को कंस नष्ट नहीं कर पाया, तो ये घमंडिया गठबंधन। पंकज जी, क्या लगता है क्यों कांग्रेस ये अपना ऐतराज जता रही है? कांग्रेस तो ये कह रही है कि देखिए आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन है, चुनाव आयोग के पास वो पहुंच गई है। आपको बीजेपी को क्यों लगता है कि कांग्रेस को क्या डर है कि मोदी जी अगर साधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा? देखिए कांग्रेस को डर एक ही है कि एक गरीब चाय वाला पिछड़े वर्ग का व्यक्ति इस देश का तीसरा प्रधानमंत्री बनके जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ कैसे तोड़ देगा, कैसे भारत की वैश्विक छवि कांग्रेस के अलावा कोई बड़ा नेता मजबूत कर सकता है, इसकी चिंता में सारे षड्यंत्र हैं। और सबसे बड़ा तुष्टिकरण जो अपने फेवरेट वोट बैंक को आज दिखाएंगे ना कि देखिए हम सनातन का विरोध कर रहे हैं, मोदी के ध्यान का विरोध किया, पूरे देश में आज भारत की जगहसाई कराते हैं प्रतिपक्ष के लोग, जिस ध्यान को, जिस योग को पूरी दुनिया में विश्व योग दिवस के नाते भारत का माना जाता है, उस ध्यान का विरोध कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए, आप ध्यान करने 2019 में भी इनको आपत्ति थी जब नरेंद्र मोदी जी उस केदारनाथ गए थे, इनको द्वारका दर्शन पर आपत्ति है, इनको गुरुवायर टेम्पल पर आपत्ति है, इनको राम मंदिर पर आपत्ति है, हर चीज पर आपत्ति। अपर्णा जी, हर वो विषय जो सनातन से जुड़ा है उसको लेकर कांग्रेस को आपत्ति है, क्योंकि वो अनिल सिंह चौहान जी से जवाब लेते हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हमारे साथ। अनिल सिंह चौहान जी, धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हमलावर रही बीजेपी, और यहाँ पंकज जी कह रहे हैं कि देखिए इस तरह की सनातन साधना जिसकी जड़ें सनातन से मिलती हैं, उस साधना का, उस ध्यान का विरोध करके दरअसल आप विरोध नहीं दर्ज कर रहे हैं, अपने खास वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। पढ़ना जी, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मोदी जी जब भी कहीं जाएंगे और किस तरह से अपने कुछ जो घरानों को उन्होंने पूरी मीडिया को बांट रखा है, वोटिंग के दिन वो मीडिया लगातार उनको दिखाएगा, ध्यान को दिखाएगा, तो क्या वोटर इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा? जब आदर्श आचार संहिता कहती है कि सभी दलों को समानांतर प्रसारण उस दिन किया जाए जिस दिन वोटिंग रहे, लेकिन एक बहाना करके कि वो राजनीतिक रैली नहीं है, एक ध्यान है, एक पूजा है, और इस तरह से वो बातों को डाइवर्ट करके, क्योंकि देखिए असल बात यह है कि भाजपा सभी मुद्दों पर फेल हो गई है। अभी राम सेतु की बात पंकज चतुर्वेदी जी कर रहे थे, पता नहीं क्यों इन लोग अपनी मर्यादा खो देते हैं। इनको पता होना चाहिए कि जितेंद्र सिंह जी ने कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर, इन्हीं के मंत्री ने दिसंबर 2022 में उच्च सदन में कहा था कि राम सेतु काल्पनिक है, उसको लेकर कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं मिले, और ये आरोप हम पर लगाते हैं। इनको तो क्षमा मांगना चाहिए पूरे देश से, ये राम के नाम पर कितनी दूषित राजनीति करते हैं, और करते कुछ और है, कहते कुछ और है। तो देखिए जिस तरह से धार्मिक मामलों को भड़काकर, क्योंकि ना महंगाई पे नियंत्रण कर पाए, ना रोजगार के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे ये फेल है। अब इनको सिर्फ एक रास्ता बचा है कि कैसे हम वोटर्स को इन्फ्लुएंस करें, प्रभावित करें, धार्मिक उन्माद फैलाएं।
अब पूजा पाठ और ध्यान का जहां तक सवाल है, खासकर ध्यान का, तो आप जानती हैं सब उसमें आज तक जितने ऋषि मुनि से लेके आज के जमाने तक जो भी ध्यान में गया है उसकी अपनी निजता रहती है, और ध्यान और पूजा भी निजी क्षणों में किया जाता है। इस तरह से सार्वजनिक उसको कहना चाहिए, राजनीतिक उसका दुरुपयोग करना या उसका इस तरह से लाइव प्रसारण करवाना, कैमरे लेके जाना, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत वहां जाके सरकारी खर्चे में बकायदा सुनियोजित तरीके से एक मुद्रा पर बैठ जाना, ये तो ढोंग और आडंबर कहलाएगा ना अपर्णा जी। तो ये ढोंग और आडंबर करके वोटरों को प्रभावित क्यों करते हैं, वो भी सरकारी खर्चे पे, तो वोटर प्रभावित हो जाएगा क्या? विपरीत है अनिल सिंह जी, ढोंग और आडंबर की आप बात कर रहे हैं, क्या वोटर प्रभावित हो जाएगा? मैं कहता हूं जी अपर्णा जी, मैं कहता हूं राहुल जी को मत दिखाइए, पूरे दिन आप और आपके सारे चैनल मुझे दिखाते रहिए, मैं आपको दावा कहता हूं कि वोटर प्रभावित हो जाएगा। आप जब एक ही दल को दिखाते रहेंगे, लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, और जब आप लगातार सोशल साइट्स और मीडिया ने एक ही चीज चलाते रहेंगे और सुनियोजित तरीके से वो भी दबाव बनाकर, चाहे जिस तरह से अभी तक आप देखते आए हैं हीरेन जी जिस तरह से लगातार मीडिया को मुद्दा तक देते हैं, आज किस मुद्दे पे डिबेट करानी है, मैं पर्टिकुलर किसी चैनल की आपके लोकप्रिय चैनल पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन सारा विश्व जानता है कि हिंदुस्तान 160 देशों में 146वें नंबर पर आ गया है प्रेस की स्वतंत्रता में, इतनी दूषित पत्रकारिता हमारे यहाँ हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्व संघ, विश्व के सारे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे लोग कह रहे हैं। तो ये किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मीडिया की गरिमा को गिराई है, लोकतंत्र की गरिमा को गिराई है, हमारे धार्मिक भावनाओं की गरिमा को गिराई है, ये पूरा देश जानता है और आपके विद्वान दर्शक भी जानते हैं। लेकिन अनिल सिंह जी, जब इन तस्वीरों पर आपत्ति, आपको इस तरह के प्रसारण पर आपत्ति है, लेकिन गांधी परिवार जब छुट्टियां मनाया करता था तो वो तस्वीरें भी मीडिया में आया करती थी, और रही बात कि क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप देख लीजिए जब अन्ना का आंदोलन हो रहा था हम सरकार में थे, कितनी देर सरकार के विपक्ष में लगातार आपके सहित सारे चैनल दिखाते थे, मैं आपको चुनौती देता हूँ आज आप बता दीजिए कि उसका 10% भी किसी चैनल पर चलता हो, जिन मीडिया समूहों में चला है वहाँ बकायदा छापेमारी हुई है आईटी की, ईडी की, और उन मीडिया समूहों को भयादोहन किया गया है, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले जी सरकारों में, नहीं नहीं सुनिए, आजादी की आप बात कर रहे हैं ना अनिल सिंह चौहान जी, आजादी और मैं आपके जी और बता देता हूं, हमारा डिबेट का मुद्दा क्या होगा, हम क्या दिखाएंगे वो चुनेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय चुनने की आजादी दीजिए, चुनने की आजादी रहेगी हमारे पास, सुनिए ठीक है अनिल सिंह चौहान जी, एक मिनट रुकिए, हमारे साथ के एस चौहान जी भी जुड़े हुए, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता है। के एस चौहान जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी सुन लिया आपने जी सब कुछ, ठीक है, ये बताइए ध्यान जो पर्सनल स्पेस होता है, अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए होता है, उसका ये ढोंग आडंबर, उसका इतना भोंडा प्रदर्शन क्यों कांग्रेस का? देखिए ढोंग उसको बोला जाता है जो बाहर कुछ और अंदर कुछ और होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वो 12 साल की आयु में जब थे तब से वो आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, और उनकी गतिविधियां बहुत सारी चीजें हमने समय समय पे देखी भी गई, और 2002 में भी जब वो गुजरात का चुनाव लड़ रहे थे तब भी वो ध्यानमग्न होते थे, और हर चुनाव में वो ध्यानमग्न होते हैं। तीन शक्तियां होती हैं अपर्णा जी, तीन शक्तियां, भौतिक शक्ति, दैविक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। ये तीनों शक्तियों को अपने अपने ढंग से अपना काम किया जाता है। तो भौतिक शक्तियों में हमने सभी जगह देखा कि प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाके अपना भाषण दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, और दूसरी होती है दैविक शक्ति, उसके बाद तीसरी होती है आध्यात्मिक शक्ति। और सबसे मेन बात यह है अपर्णा जी कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है, जहां पर 79% साक्षर लोग हैं और सभी लोग समझदार हैं, वहां पर उनको सभी को मालूम है कि हमारे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। वोटर्स इन्फ्लुएंस्ड किसी के दो दिन अर्चना पूजा करने में या दो दिन आध्यात्म करने में या ध्यान करने में इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो ये देखते हैं कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया है। क्या आपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नहीं दिया है, क्या 130 करोड़ को वैक्सीन नहीं लगाई है, क्या 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आया है, क्या 11 करोड़ लोगों को शौचालय नहीं दिया गया है, क्या 10 करोड़ लोगों को किसानों में खाते में पैसे नहीं डाले गए, क्या 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत नहीं दिया गया है, कि 4 करोड़ लोगों को
घर छत नहीं दिया गया है, ये सब अलग है, लेकिन अध्यात्म एक अलग चीज है। अब मैं आ जाता हूं कि मीडिया की बात आप दिखा रहे हैं, ये है 2010 में जब ये एक एक दिन के अंतराल में राहुल गांधी जी जब जाते हैं लोगों से मुलाकात करते हैं रेल में, तो वो दिखाया गया था मीडिया में, क्योंकि आम जनता ये देखना चाहती है कि वो नेता उन दिनों में क्या कर रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, तभी जाके मीडिया उस चीजों को दिखाती है, क्या जहां पर एक आम जनता की जागरूकता है, जहां एक आम जनता की जिज्ञासा है, वो सब चीजें जाके दिखाती है। दूसरी बात, आज विरोध क्यों कर रही है पार्टियां, आज विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि ये दबाव में है, ये प्रभाव में है उन कम्युनिस्टों के, उन नास्तिकों के जो बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं, इसीलिए ये सब चीजें की जा रही हैं। आपने नहीं, नहीं नास्तिक नहीं, वो तो कहते हैं ना कि देखिए हम भी हिंदू हैं, हम भी जनयुद्धारी हैं, हमें बीजेपी के से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है या बीजेपी की तरफ दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात पर आगे बढ़ते हुए, लेकिन एक मिनट क्योंकि सतीश अलिया जी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। सतीश अलिया जी, एक सवाल तो मेरा ये रहेगा, 57 सीटों पर आखिरी फेज में चुनाव होना है, पहली बात। दूसरी बात, 2019 में भी पीएम मोदी ने ऐसा किया था, 24 में आप कर रहे हैं, जाहिर तौर पर रेस में जब एक पार्टी, दोनों पार्टी मानती है कि हम दोनों ही रेस में हैं, हम बराबर की टक्कर दे रहे हैं, तो क्या इसी टक्कर की वजह से थोड़ा सा इनसिक्योर हो रही है कांग्रेस विपक्ष जो इतना ऐतराज जता रहे हैं? क्या डर नहीं है कि गलत संदेश जाएगा सनातनियों में या एक बड़े वोट बैंक पर, या फिर वही बीजेपी का सवाल कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं? देखिए, राजनीति में दो चीजें बहुत चलती है, एक तो नैरेटिव चलता है और एक सीक्वेंस चलती है। एक अयोध्या में जो 22 जनवरी को जो हुआ था उसका जिस तरह से विरोध किया गया था, ये उसकी अगली कड़ी है। जनता का परसेप्शन यही बनेगा कांग्रेस को लेकर या विपक्ष को लेकर कि अयोध्या के आयोजन को भी ये कहा था कि ये वोट के लिए है, जबकि पूरे देश को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बना था और देश की जनाकांक्षा थी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बने, वो मंदिर बना और उसका विरोध किया गया और उसका ये जैसे ये ध्यान का भी विरोध उसी का दूसरा हिस्सा माना जाएगा। मतलब विपक्ष जो है इस मुद्दे पर लगातार वो एक ही भूमिका में है। अब जनता के ऊपर है, मतदाता के ऊपर है कि वो उनको अयोध्या के मामले में उनको वोट नहीं देना चाहता, और मोदी पर यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो हो सकता है कि वो आखिरी वाला जो मतदाता है, आखिरी चरण वाला, वो उसी तरह से उसको ले, मतदाता की स्वतंत्रता है। और जहां तक बात है कि मतदाता इन्फ्लुएंस होता है मीडिया के लगातार दिखाने से, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मतदाता इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा कह के हम मतदाता का जो विवेक है और लोकतंत्र की आत्मा है मतदाता, उसको अगर हम कम बुद्धि का, मूर्ख और सहज ही इन्फ्लुएंस होने वाला आदि मानते हैं तो हमारी फिर लोकतंत्र में आस्था नहीं है। अब दो बात, तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत इस सदी में या पिछली सदी में जो सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान में माने गए भारत में, वो महात्मा गांधी थे। उस समय कोई मीडिया नहीं था। महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी जो बैरिस्टर थे, और फिर महात्मा गांधी कैसे बने, उन्होंने अध्यात्म को अपनाया, भारत की सादगी को अपनाया और वो रोज कीर्तन करते थे, राम का नाम लेते थे, रघुपति राघव राजा राम कहते थे, और यहाँ तक कि जो सबसे बड़े कृष्ण भक्तों में से माने जाते हैं नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेने के, ये उनका प्रिय भजन था। तो गांधी की जो छवि है पूरी दुनिया में इतने बड़े महामानव की, तो उसके पीछे जो भारत का आध्यात्मिक दर्शन है वो है। उस समय कोई ये नहीं कहता था, जब सरकार बन गई थी नेहरू की, उस समय भी गांधी जी रोज प्रार्थना सभा में जाते थे और रघुपति राघव राजा राम की प्रार्थना वो करते थे, उनको कोई सांप्रदायिक नहीं कहता था और ये नहीं कहता था कि वो अपनी छवि गढ़ने के लिए कह रहे हैं, और मीडिया भी नहीं था। और गांधी के बाद नेहरू भी बहुत पॉपुलर नेता थे और उनका बहुत जबरदस्त एक ऑरा था, जब भी मीडिया इतना नहीं था, अखबार भी इतने नहीं थे, लेकिन नेहरू एक पढ़े लिखे और एक विद्वान व्यक्ति थे। आप उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, मैंने तो पढ़ी है, पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी होगी, बात आज जो डिबेट करते हैं लोग, तमाम पॉलिटिकल लोग, तो आप डिस्कवरी इंडिया को उनकी पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो आपको पता लगेगा कि वो कितने अध्ययनशील और कितने विद्वान व्यक्ति थे। तो वो भी एक बहुत जनता में पॉपुलर थे। तो जनता में एक स्थायित्व पाने के लिए मीडिया के भरोसे नहीं होता। कोई खराब आदमी हो जिसकी बहुत गहरी वैचारिक समझ नहीं है, आध्यात्मिक समझ नहीं हो, तो वो मीडिया के सहारे वो एक महान व्यक्ति की तरह स्थापित नहीं हो सकता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का हमारे पास उदाहरण है, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान चला तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो हैं लोकनायक की तरह स्थापित हुए। उस समय भी मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं था, गिने चुने घरों में अखबार आते थे और गिने चुने अखबार होते थे, इसके बावजूद पूरे देश ने उनको सर आंखों पर बिठाया क्योंकि उनका जीवन वैसा था।
अगर नरेंद्र मोदी लगातार 2014 से 2019 में भी जीते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात तो है, भले ही विपक्ष उनके ऊपर 100 आरोप लगाए, कोई एक ऐसी बात तो है जिसको देश की जनता पसंद कर रही है। और अब यह सिद्ध हो जाएगा 2024 का जो नतीजा आएगा 4 जून को, कि वो कितना उनका जो आध्यात्मिक छवि है वो चुनाव के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये विपक्ष उनको सरकारी खर्चे पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या वो सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, क्या जो मीडिया को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, इस बारे में चुनाव आयोग को फैसला करेंगे। बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है ना कि देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ कर रहा है मीडिया दिखाएगा, लेकिन ये तो चुनाव आयोग को गाइडलाइंस क्लियर करनी चाहिए कि वो क्या उसमें क्या होना है या क्या नहीं होना है। आप हालांकि विपक्ष चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। सर, आप ही की बात को सतीश अहलिया जी आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर संतोष जी, ये सुना आपने ना कि देश के प्रधानमंत्री की अगर आस्था है, और इससे पहले भी महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू का भी एग्जाम्पल दिया सतीश अहलिया जी ने, लेकिन बात आस्था पर चोट करने की नहीं है, बात यहां पर हर किसी के वोट बैंक खुश करने को लेकर हो रही है। और बीजेपी तो ये मानती है कि उसकी पिच अगर वह सनातन पर ले आएगी विरोधियों को तो विरोधियों का चित होना तय है। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं सतीश अहलिया जी की कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बातों से असहमत हूं। उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी और नेहरू की महानता थी, अच्छा हुआ कि उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया। आज के जो दर्शक जो मोदी जी की बातों पर चलते हैं, जो मोदी जी तो नेहरू जी को मानते नहीं, और उन्होंने कहा कि गांधी जी का पता दुनिया को तब चला जब 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई। ये मोदी के अल्प ज्ञान कहें, अल्प बुद्धि कहें, या भारत की जनता को भ्रमित करने की बात कहें कि उस गांधी के विराट स्वरूप को बौना सिद्ध करने का जो प्रयास इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है वह दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा कि अपने राष्ट्र नायकों को अपमानित करने का, उनको बौना सिद्ध करने का काम वहीं का प्रधानमंत्री करता हो। यह मेरी पहली बात है, मोदी जी को लेकर आपत्ति है जिन्होंने नेहरू जी पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी सतीश अहलिया जी ने कहा कि कांग्रेस को आपत्ति थी कि राम मंदिर बना जब राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। मैं मानता हूं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना, कांग्रेस ने कभी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने उसकी आड़ में जो राजनीति का झाड़ लगाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। तो आखिर क्या कारण था कि शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हुआ प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या थी? क्या उनके सामने चुनाव की तारीखें नहीं थी? निश्चित रूप से चुनाव की तारीखों को देखते हुए उन्होंने शंकराचार्यों की बातों का विरोध करते हुए भी तय तारीख के पहले और मंदिर की पूर्णता के पहले वहां प्राण प्रतिष्ठा की। यह मेरा मोदी जी पर आरोप है, जिस प्रकार से वो धार्मिक भावनाओं का शोषण करने के लिए अपनी नौटंकियां करते रहते हैं। दूसरा, अभी मेरी आपत्ति है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी की व्यक्तिगत आस्था से किसको आपत्ति है, लेकिन जिस प्रकार से वो वोट के लिए अपनी आस्था की मार्केटिंग करते हैं निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है। हमने इसके पहले भी देखा था जब केदारनाथ में वो ध्यान लगा रहे थे तो एक आंख से उनकी तस्वीर जारी हुई थी, एक आंख से कैमरे की ओर निहार रहे थे, तो उनका जो कैमरा प्रेम, उनका जो मीडिया प्रेम और जो आस्था को लेकर भी वो मीडिया में जिस तरीके से प्रचारित करते हैं, हमारी आपत्ति उस पर है। इसके पहले भी कई तपस्वी हुए, हम लोग भी अपने घरों में ध्यान करते हैं, लेकिन क्या मीडिया पर जा जाके इसको बताना और उसका प्रसारण करना आवश्यक है? हम भी तो यही कह रहे हैं, पंकज जी जवाब देना चाह रहे हैं, अपना ध्यान अपने घर में जाके करें, लेकिन कैमरों के बीच में ना करें वो। अपर्णा जी, राहुल गांधी की पार्टी के लोग राहुल गांधी के अल्प ज्ञान की बुद्धि की भट्टी लेकर देश के प्रधानमंत्री को अल्प ज्ञानी कहते हैं तो ये उनका अल्प ज्ञान है और ये स्तर दर्शाता है कांग्रेस पार्टी। अरे सुनो यार संतोष, आपकी बुद्धि के बारे में हमें भली भांति पता है, शांति से बात करो पहले। आपकी बुद्धि के बारे में हमको भली भांति पता है, आपकी विचारधारा सब परिवर्तित हो गया, आपको ही नहीं पता है। शांति सुनो, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हो शर्म नहीं आती? नहीं, वो बुद्धि पर प्रश्न क्यों उठा रहे? मैंने तो उनकी बुद्धि पर प्रश्न क्यों उठाया? अब मुझे आपत्ति है, मेरी बुद्धि पर प्रश्न क्यों उठा रहे? संतोष जी, राहुल गांधी को काय का ज्ञान है? जिस आदमी को ये नहीं उनको कहिए कि हाथ में रहकर बात करें, मेरे नहीं, शब्दों की मर्यादा का प्लीज ख्याल रखिए आप सभी लोग, ठीक है? संतोष जी, मर्यादा में देश के प्रधानमंत्री पंकज जी को बताइए आप। पंकज जी ने बोला कि संतोष जी बुद्धि अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि बोल रहे हैं कांग्रेस के लोगों को, इनको किसने दिया सर्टिफिकेट के लिए? अरे आपके किसी के बोलने से थोड़ी हो जाएगा संतोष जी, रुक जाइए पंकज जी। संतोष को प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है, अभी नाम लिया कि अल्प बुद्धि प्रधानमंत्री जी, शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? राहुल गांधी का क्या कहा? उन्होंने कहा ना, देश के सामने कहा, उन्होंने देश के सामने कहा कि गांधी जी को 1982 के पहले कोई नहीं जानता था। गांधी पिक्चर ऐसे कोई मूर्ख प्रधानमंत्री नहीं, अधूरी क्लिप को लेकर राहुल गांधी महाज्ञानी महामूर्ख है राहुल गांधी, खुलकर बोल रहा हूँ मैं, बता देना राहुल गांधी को, और जानता है नरेंद्र मोदी उससे बड़ा मूर्ख है, नरेंद्र मोदी उससे बड़ा मूर्ख है, नहीं नहीं नरेंद्र मोदी उससे बड़ा मूर्ख है, चलेगा राहुल के बारे में बोलोगे कि मर्यादा ख्याल रखिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री है वो कांग्रेस है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। मत भूलिए आप सभी लोग, मध्य प्रदेश की महाडिबेट में समय पर लगता है। धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।
और ये नया घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि जनता समझदार है, चाहे वो जनता गांव की हो या शहर की हो, वो तय कर चुकी है कि उसे किसे चुनना है और तस्वीर 4 तारीख को साफ हो ही जाएगी। खबरें लगातार जारी है, जुड़े रहिए।